हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग शुरू करेंगे हम ट्रैवलिंग से। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड मुनस्यारी की तरफ, और अभी सुबह के बजे हैं 6 और बाहर काफ़ी अंधेरा है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे पीछे देख सकते हैं, बैग में तैयारी कर रहा है मयंक मेरे साथ आ रहा है, और इसमें हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ की तरफ। तो गाइस, लेट्स सी, साथ में ब्लॉगिंग करते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कहाँ कहाँ तक पहुँचे हम। बाहर का नज़ारा हो रहा है एकदम गजब का। ये देखो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे हैं, ये बैग भी डाल दें गाड़ी में, ये वाला पीछे की तरफ डाल देंगे। और बहुत ज़बरदस्त कोहरा हो रहा है यहाँ पे, और इसमें हमने ट्रैवल करना है। पहुंच चुके हैं किच्छा में। इतना बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। इतना कोहरा चारों तरफ लगा है। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट आवर का हमने ड्राइव कर लिया है, तेल भरवा रहे हैं अपना पेट्रोल पम्प, और तेल भरवा लेते हैं, टंकी फुल कर लेते हैं। पहाड़ जाना है ना, तो इसमें फुल लॉन्ग कर लेते हैं। CNG भी है यहाँ पे ना, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ की तरफ, CNG की अगर कोई रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली CNG छोड़ के वहाँ पर पूरा ही लगा हुआ है। तो 24 आवर्स आपको CNG की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। सो गाइस, ये है किच्छा का पेट्रोल पंप, जो एक राउंड अबाउट है, उसके सामने है रिलायंस का। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आई विल शो यू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वे टूवर्ड द पहाड़। तो गाइस, हम अब खटीमा क्रॉस कर चुके हैं, और खटीमा क्रॉस होने के बाद अब आ रहा है सामने, दिखाई दे रहा है चक्करपुर। अब हम पहुंचने वाले हैं चक्करपुर। तो लगभग देखी जाए तो ऑलमोस्ट हमने 90 किलोमीटर्स की जर्नी क्रॉस कर ली है सुबह से, और ये अभी वक्त हो रहा है 8:30 का। चक्करपुर, ये सामने चक्करपुर आ गया। ये जो एरिया है, जो दिख रहा है आपको घर वगैरह, ये है चक्करपुर। और अब लग रही हल्की सी भूख, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं टनकपुर पहुंचेंगे। तब वहां थोड़ी सी हमें मिठाई की ख़रीदारी करनी है, और साथ साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग टनकपुर पहुंचने वाले हैं। रास्ते में एज यू सी, कोहरा एकदम अभी भी पूरा लगा हुआ है, भर के दबा के कोहरा हो रहा है। एटलीस्ट यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, रादर की जो किच्छा, नानक मत्ता और सितारगंज, यहाँ तक खटीमा तक काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। अब यहाँ धीरे धीरे छटना शुरू हो गया, बिकॉज अभी पहाड़ की तलहटी में बसा है ना टनकपुर, तो विजिबिलिटी अब ठीक है। ये लगी है आर्मी वालों की कॉन्वॉय। Thank you.
अचानक इतनी कोहरे के बीच में धूप आ गया अचानक से, हम इसीलिए जो है टनकपुर में रुके नहीं, हमने मिठाई तो ली नहीं वहाँ से, मिठाई अब रास्ते से लेंगे, बट अब देख सकते हैं पहाड़ में कितनी धूप आ रखी है। हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, देख लो एक बार कैसे नज़ारे दिख रहे हैं, वहाँ पूरा धूप है, पूरा क्लियर स्काई। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसमें। तो फाइनली गाइस हम अब पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में सूखी ढांग। सूखी ढांग यहाँ पे एक जगह है, जब यहाँ पहाड़ की तरफ आते हैं ऊपर की तरफ 12-14 किलोमीटर में सूखी ढांग एक जगह है, और वहाँ पहुंच के हम थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। बाय द टाइम दिखाते हैं यहाँ से कैसा दिख रहा है नीचे टनकपुर का नज़ारा। ये है दोस्तों, कहते हैं ना बादल हमेशा आसमान पे उड़ते हैं, लेकिन उसकी मजाल क्या, जब पहाड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो हमेशा नीचे ही रहता है। तो देखिए पहाड़ों की रौनक और बादलों की हिमाकत, ये जो कोहरा यानी बादल नीचे ही अटके पड़े हैं बेचारे, ऊपर देखिए धूप और नीचे ये हालत हो रहा है। ये ऊपर से हम देख सकते हैं, एज यू कैन सी, नीचे जो ढका है बर्फ़ की चादर से, बादलों की चादर से, वो है टनकपुर। फाइनली पहुंच गए हम लोग अब सूखी ढांग। अब सूखी ढांग में क्या एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या बन रहा है अभी दिखाते हैं आपको। इस तरह से कुछ ढाबा का ये रहता है, और ये हमारे सुपुत्र और सामने मेरे पार्टनर, इसका ब्रेकफास्ट होगा अभी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सूखी ढांग। सूखी ढांग में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये रहा ब्रेकफास्ट में क्या ऑर्डर हुआ है, ये है आलू के पराठे, ये मूली और प्याज के साथ में हल्की सी मिर्ची की अचार, साथ में सूखी राई और आलू की सब्जी, और हल्की सी करी हमें दिया गया है। कंटिन्यूड है और अब पहाड़ की हम ड्रॉप करते रहेंगे, क्योंकि हमने टनकपुर से ऊपर तक सूखी ढांग तक का किया है। सूखी ढांग से अब आगे पिथौरागढ़ तक का हम देखते हैं, पिथौरागढ़ से आगे करेंगे। बाय द टाइम टेक केयर बाय, ट्रैवलिंग टुवर्ड दी पहाड़।